हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवशी अवस्थी आज मैं अपने लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ दैट इज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया तो देखिए ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं तो मैं ऐसे मॉन्यूमेंट्स कवर करूंगा जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन मॉन्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा और वो आप पढ़ के चले जाइएगा आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा बहुत जल्दी से हम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स उनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कवर कर देंगे ओके सो लेट स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया सबसे पहला है दैट इज राष्ट्रपति भवन क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति भवन है कहां पर आई होप सब लोग बता देंगे दैट इज एट डेली ओके याद रखिएगा किस हिल्स में सिचुएटेड है ये क्वेश्चन आता है तो रायसेना हिल्स ये आपको याद रखना है ठीक है इसको डिजाइन किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश के आर्किटेक्ट था लुटेंस आपने सुना होगा तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटेंस के नाम से आपको याद रखना है और करंट अफेयर्स में भी क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कर्तव्य पाथ बनाया गया है सरकार ने ओके ये पात्र जो है वो किसके बीच में है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट के बीच में है तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ओके तो ये था अपना राष्ट्रपति भवन के बारे में जो कि डेली में सिचुएटेड है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज रेड फोर्ट रेड फोर्ट आपको पता होगा लाल किला वो भी डेली में ही लोकेटेड है शाहजहां ने बनाया था रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है 1648 में कंस्ट्रक्ट हुआ था अराउंड नाइन इयर्स लगे थे इसको बना में ओके okay. और किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है यमुना रिवर पर यह भी याद रखना है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है है ना तो ये भी पॉइंट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सारी लिस्ट कौन कौन सी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक वीडियो डाल रहा हूं जहाँ मैंने पूरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताई है उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना ओके तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड ऑन कर दूंगा चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बात दैट इज कुतुब मीनार डेही में है कुतुब मीनार आपने सुना होगा इसको बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन एबक ने वन वन नाइन थ्री में और कंप्लीट किया इसको इलतुतमिश ने तो याद रखना है कंप्लीट किसने किया और बनाना किसने स्टार्ट किया हाइट अराउंड इसकी टू

नेक्स्ट है कोनार्क सन टेम्पल बहुत फेमस कोनार्क सन टेम्पल नाम सुनते ही दिमाग में उड़ीसा जरूर आता होगा तो उड़ीसा पूरी में ये लोकेटेड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये तो ठीक है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसको तो बनाया किसने है तो किंग नरसिम्हा देवा वन जो है जो याद रखिएगा गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने 1250 हंड्रेड में इस टेम्पल को बनाया था तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये पूछा जा सकता है कि किसने बनाया था और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो ठीक है नेक्स्ट है अजंता लोरा केव्स बहुत फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता लोरा आई होप आपने विजिट किया होगा औरंगाबाद आप गए होंगे महाराष्ट्र में जहां पर ये केव्स बनी हुई हैं इंपॉर्टेंट क्या है देखिए अजंता केव्स कभी आप विजिट करना तो देखिए वहां पर आपको रिवर दिखेगी वो रिवर कौन सी वो बता दूँ मैं वगोहरा रिवर जो है यार देखिए वगोरा रिवर जो है वो उसके अराउंड बनी हुई है बहुत फेमस है आप देखेंगे कभी वो रिवर आपको ऐसे दिखाई देगी अजंता केव्स अभी आप विजिट करते हैं तो इसमें 29 केव्स हैं और सारी केव्स का है बुद्धिस्ट केव्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जबकि अलोरा में अगर आप विजिट करोगे तो वहां 34 केव्स हैं और वहाँ पर आप देखेंगे 17 ब्राह्मनिकल केव्स हैं 12 बुद्धिस्ट हैं 5 जैन हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग-अलग धर्म की आपको देखने को केव्स मिल रही हैं ओके और एलोरा केव्स में एक बहुत फेमस टेंपल पूछा जाता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलाश टेंपल बहुत फेमस टेंपल है क्यों क्योंकि ये लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक का बना हुआ

ओके तो चार मीनार कभी जाएं हैदराबाद तो जरूर विजिट करें नेक्स्ट है रानी की बाव बहुत फेमस है रानी की बाव प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको हम ट्वीट करते रहते हैं बहुत बार गुजरात में लोकेटेड है सरस्वती रिवर के बैंक में लोकेटेड है यार के पठान सिटी ऑफ गुजरात में ये लोकेटेड है तो लोकेशन गुजरात याद रखना आपको किसने बनाई चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर ये बनाई गई है ये भी आपको याद रखना है और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका भी नाम मैंशन है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ओके नेक्स्ट है जंतर मंतर ऑफ जयपुर देखिए जंतर मंतर की मैं बात तो पांच जंतर मंतर है पहले तो आपको ये याद होना चाहिए वो पांचों जंतर मंतर है डेली एक जयपुर

नेक्स्ट है ताजमहल ताजमहल तो सबको पता होगा ये सेट इज लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश सबको पता है इसको बनाया किसने था ये भी आपको पता होगा कि शाहजहां ने सर मुमताज महल के लिए बनाया था इसको 17 ईयर्स लग गए थे बनाने में 1631 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 1648 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ये यमुना रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है ये सारे फैक्ट्स आपको पता होंगे इंपॉर्टेंट भी हैं ओके और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वन ऑफ द सेवन वंडर्स में आता है ताजमहल तो बेसिक ताजमहल के बारे में इतना आपको जरूर पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट आते हैं दैट इज बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है ठीक है यूपी की बात करें फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है और किसने बनाया अकबर ने बुलंद दरवाजा किसने बनाया अकबर ने और क्यों बनाया था इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ अकबर ओवर गुजरात अकबर की विक्ट्री ओवर गुजरात पर बुलंद दरवाजा बनाया गया आई होप कभी आपने बुलंद दरवाजा जरूर विजिट किया होगा ठीक है और तीन मॉन्यूमेंट और बता रहा हूँ ताजमहल अभी मैंने बताया आगरा में है रेड फोर्ट अभी मैंने बताया आपको दिल्ली में है और जामा मस्जिद तीनों ही दिल्ली में है सॉरी ये दोनों दिल्ली में है और ताजमहल आगरा में है याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है जो शाहजहां ने मुगल डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर रहा है उससे बनाए थे तो नोट करके मैंने बता दिया है काम आएगा आपको जामा मस्जिद वैसे तो मैंने ताजमहल और रेड फोर्ट तो ऑलरेडी कवर कर दिया है ठीक है तो बुलंद दरवाजा जरूर याद रखना ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मुगल डायनेस्टी की बात कर रहा करो तो हिमायु टॉम का नाम तो ज़रूर दिमाग में आएगा और ये टॉम इंपॉर्टेंट इसलिए दिल्ली में है जो तो लोग दिल्ली में गए होंगे ज़रूर इस टॉम को विजिट किया होगा देखिए यहाँ पर गार्डन की स्टाइल देखिए चार बाग स्टाइल में देखिए ये हिमायु टॉम बना हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल है मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सब कवर कराया हुआ है आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहाँ पर रिटेल में लेक्चर्स आपको मेरे मिलेंगे ओके। में टॉम बना था ओके। और किसने बनाया था उसकी वाइफ ने याद रखिये बानू बेगम ने हमीदा बानू बेगम ने हिमायू टॉम बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट है दिल्ली में लोकेटेड है विजय स्तंभ नाम से पता चला विजय विक्ट्री ओके okay, तो जो है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है याद रखिएगा बिल्ड हुआ था 1448 एडी में और बनाया था राणा कुंभ ने जो कि मेवाड़ के किंग थे ओके okay, तो क्वेश्चन आ सकता है शायद आप ऑप्शन नहीं लगा पाओ राणा कुंभ का नाम सुनके बट आंसर याद रखना आपको ठीक है नेक्स्ट है अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के अंदर घुसने से पहले आपको अलाई दरवाजा को क्रॉस करना पड़ता है देखिए कुतुब मीनार आपको जाना तो पहले अलाई दरवाजा को क्रॉस करना पड़ेगा ये अलाई दरवाजा ए से अलाई दरवाजा ए से अलाउद्दीन खिलजी ने इस अलाई दरवाजा को बनाया था मैंने लिखा है इट इस एंट्रेंस ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स तो याद कुतुब मीनार अंदर जाने से पहले आपको अलाई दरवाजा से होते हुए जाना पड़ेगा तो इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ठीक है नेक्स्ट है साची स्तूप मध्य प्रदेश में आइए सांची में जरूर आप विजिट करिए ओके जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है इसको बनाया के था सबको पता है एंपरर अशोका ने थर्ड सेंचुरी बीसी में इसको बनाया था और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है इसका हम डिटेल्स अगर आर्ट एंड कल्चर में अगर आप डिटेल्स चाहते हो साची स्तूप के बारे में एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स में भी लेक्चर मिलेंगे बट अभी आपको ब्रीफ नोट पर चीज़ें याद रखनी है महाबोधि टेम्पल बिहार में महाबोधि टेम्पल है अगेन इसको भी अशोका ने बनाया है याद रखिएगा टू सिक्सटी में इसको बनाया गया महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में बहुत फेमस है ओके जयपुर जा रहे हो राजस्थान जा रहे हो तो हवा महल नहीं विजिट करो तो फिर क्या बात है हवा महल बहुत फेमस है याद रखिएगा सवाई राजा प्रताप सिंह ने 1799 एडी में बनाया था जो कि जयपुर राजस्थान में है देख सकते हैं हवा महल की मैंने इमेज भी यहां पर बना रखी है

जगन्नाथ टेम्पल नाम सुनते ही उड़ीसा जरूर आता होगा आपके दिमाग में उड़ीसा पुरी में लोकेटेड है याद रखिए टेंथ सेंचुरी बीसी में इसको बनाने का काम स्टार्ट किया था बनाया था फर्स्ट रूलर जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे इनका नाम था अनंत अनंत वर्मन रे याद रखिएगा उन्होंने इसको बनाया हुआ है जगन्नाथ टेम्पल को जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा कभी जाएँ तो टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और जाते जाते लास्ट मॉन्यूमेंट और बता के जा रहा हूँ मैं ट्वेंटी फर्स्ट दैट इज शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम तमिलनाडु याद रखिएगा तमिलनाडु जाएं तो शो टेम्पल जरूर विजिट करें बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है याद रखिए महाबलीपुरम में लोकेट है तमिलनाडु में ओके दिस वाज इन सेवेंथ सेंचुरी में रिमेंबर बाय किसने बनाया था नरसिम्भम वर्मन सेकेंड ने रिमेंबर और जिसको हम राज सिंह के नाम से भी जानते हैं जो कि पल्लवा रूलर थे याद रखिए किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है शो टेम्पल पल्लवा रूलर से जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ठीक है अब आप सोच रहे हैं तो यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कहां से हम पता करें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप बता रखिए तो उसको गो थ्रू कर लेना आप विद दीज मॉन्यूमेंट्स आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ ली और ये मॉन्यूमेंट्स वाला टॉपिक कर लिया तो आई होप आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ओके तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है बहुत कम टाइम पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लेक्चर को हमने कंप्लीट कर दिया बट अगर आप कंप्लीट पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बहुत सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं एप्लीकेशन का नाम मेंशन है देवशीष क्लासेस तुरंत तो डाउनलोड करो वहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे याद है कि आप सारे कोर्सेज वहाँ पर चेक कर सकते हो प्लस अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हो तो घर में आपको थ्रू कुरियर हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है आप वीडियो चेक कर लो नोट्स पसंद आए तो ही ऑर्डर करो अपने घर में ठीक है प्लस यू पी एस सी की प्रिपरेशन करो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं ऐप डाउनलोड करो यू के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे प्री प्लस मीनस के कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तो एक बार ज़रूर उसको भी विजिट करो आप ठीक है प्लस अगर टेस्ट सीरीज वगैरह देखनी हो आप एस से लेकर अदर एग्जाम्स की कर रहे हो तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहाँ पर मेरे टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है प्रीवियस ईयर से लेकर सारे टेस्ट पेपर्स आपको अवेलेबल पे हो जाएंगे सब कुछ ऐप पर है ऐप को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है कोई डाउट क्वेरी को है कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो इसका पी डी कहाँ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको उसका पी डी एफ करा दूंगा तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको उसकी फ्री पी चाहिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और एंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करके जाना थैंक यू